हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग सेंटर। हेयर आई एम निशा गुप्ता फ्रॉम जीसीसी। तो आज की वीडियो में हम करने लगे हैं 10th क्लास के सीबीएसई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्लियर? तो अब करते हैं हम स्टार्ट। आज इसकी वीडियो में मैं 5 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी एमसीक्यू की फॉर्म में। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 APs, AP means arithmetic progression, have the same common difference. The first term of the one of these is -1 and that of the other is -8. Then the difference between their fourth term is, हमारे पास 4 options हैं, 1, -7, 7 and 9. तो first term हमारे पास क्या है? According to statement, first term मेरे पास है -1. एक first term है -1 और second में जो है first term है -8. दोनों का common difference क्या है? सेम है। अब सबसे पहले मैं nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? अब हमने क्या करना है, दो फोर्थ टर्म्स जो है उनका डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले मैं फोर्थ टर्म ऑफ फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेके चलती हूं। ये है t4, इसको क्या लिखेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, n की जगह पर क्या आएगा? 4। सो क्या आ गया? a प्लस 3t। अब a की वैल्यू क्या है जो फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में? a की वैल्यू है -1। हमने यहां पर वैल्यू पुट कर दी, तो मेरे पास फोर्थ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो फर्स्ट टर्म है क्या बना? -1 प्लस 3d। इसको मैंने नंबर 1 के साथ डिनोट कर दिया। अब है सेकेंड है फोर्थ टर्म ऑफ सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं t4 डैश। सेम आएगा a प्लस 3d। अब इसमें जो a की वैल्यू है वो मेरे पास क्या गिवन है? -8। तो हम लिख देंगे -8 प्लस 3d। अब इसको मैंने दे दी नंबरिंग 2। मेरे पास t4 dash, इट मीन्स फोर्थ टर्म ऑफ फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गया। हमें इसका क्या निकालना है? डिफरेंस। सो अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा, t4 minus t4 dash। t4 की वैल्यू मेरे पास क्या है? -1 प्लस 3d एंड t4 dash की है -8 प्लस 3d। जब मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, आफ्टर सब्ट्रैक्शन मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है? 7। कैसे? -1 प्लस 3d, यहाँ पे ब्रैकेट में ओपन करी, -- प्लस 8 प्लस माइनस इज -3d। 3d प्लस और माइनस क्या हो गया? कैंसल। सो 8 माइनस 1 इज 7। तो हमारा आंसर जो आया, डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ टर्म इज 7। क्लियर? सो हमारी ऑप्शन कौन सी बन रही है? सी ऑप्शन। क्लियर? अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, -3 एंड 5, 6 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अब इसमें भी मेरे पास क्या दी हुई है? 4 ऑप्शंस ही हैं। सबसे पहले इसके लिए हम एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक वाई एक्सिस को हम ड्रॉ करते हैं। हमें 2 पॉइंट दिए हैं, इन दोनों पॉइंट को हम इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये है 2, -3 और यहाँ पे 5, 6। अब यहाँ पर बोला गया है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस का मतलब है y इक्वल्स टू 0। सो पॉइंट हमारे पास कौन सा आ गया? x, 0। अब हमने क्या निकालनी है? रेशो। जब हमने किसी भी टर्म की रेशो निकालनी है, हम उसको सपोज कर लेते हैं कि रेशो k = 1 है। क्लियर? यहाँ पर अब हमारे पास अगर k = 1 है, 2 पॉइंट्स गिवन है, तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? अगर हमने x की वैल्यू निकालनी है तो क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 + m2। ये जो फार्मूला मैंने बोला है, इसमें m1 और m2 क्या है? रेशियो है। और यहाँ पर मैंने m1 और m2 को k = 1 सपोज किया है। सो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन फार्मूला, x की वैल्यू क्या आएगी? 5 × k + 2 × 1 डिवाइडेड बाई k + 1। और y की वैल्यू क्या आएगी? 6 × k + 1 × -3, कितना बन गया? -3। तो क्या आ गया? 6k - 3 डिवाइडेड बाई k + 1। अब मेरे पास पॉइंट है x, 0। तो ये 0 कौन सा पॉइंट है? y का पॉइंट है। हमने y वाली टर्म को 0 के इक्वल कर दिया, उसको सॉल्व करके मेरे पास k की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। सो रेशियो क्या आई? 1:2। ऑप्शन इज ए। क्लियर? अब है थर्ड क्वेश्चन है, गिवन दैट sin θ = a/b, फाइंड cos θ। ये मेरे पास ट्रिगो का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले क्या काम होता है? हमने ट्राइंगल ड्रॉ करनी है।
अब बोला है थीटा, आपको ये भी पता है कि जहां पर एंगल थीटा होता है उसके सामने हम परपेंडिकुलर लेते हैं, तो जो साइन थीटा है, साइन थीटा क्या इसके इक्वल होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय, हमने क्या निकालना है, ए बी। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर। तो ए सी मेरे पास क्या है, बी, बी सी मेरे पास है स्मॉल ए, हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करके ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास क्या है ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, तो ए बी की वैल्यू हमने निकाली अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए सी की वैल्यू क्या है बी। सो ऑप्शन हमारे पास चेक करो कौन सी आई, सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया, क्लियर हो गया। अब है नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन, ये भी मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में है, जब हमारा पेपर आता है हमें फर्स्ट 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के दिए जाते हैं। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन, सेकंड ए प्लस टैन ए इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड इन द सेकंड ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, फोर ऑप्शन बी गिवन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जो सेकंड ए है, सेकंड ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉज ए, तो क्या लिखेंगे, सेकंड ए की जगह पे लिखेंगे 1 बाय कॉज ए, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली टैन ए है, टैन का होता है फॉर्मूला साइन ए बाय कॉज ए, सेकंड ब्रैकेट एज इट इज 1 माइनस साइन ए, इन दोनों का एलसीएम लिया कॉज ए और ऊपर क्या आ गया 1 प्लस साइन ए, और इधर है 1 माइनस साइन ए, कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन गई ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है, कॉज स्क्वायर ए, कॉज ए के साथ एक कॉज ए कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या बन गया, कॉज ए। सो ऑप्शन हमारे पास कौन सी आ गई, चेक करो, ऑप्शन है हमारे पास डी ऑप्शन, क्लियर। अब है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, अ पोल, पोल है ए सी, 6 मीटर उसकी हाइट है, कास्ट शेडो, शेडो कितनी पड़ रही है उसकी, 2√3 मीटर की, लोग ऑन द ग्राउंड एंड द सन्स एलिवेशन आपको फाइंड आउट करना है, हमें ये थीटा एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए हमें क्या गिवन है, हमें परपेंडिकुलर बी गिवन है, हमें बेस बी गिवन है, हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टेन थीटा का, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, अब परपेंडिकुलर क्या है 6, बेस क्या है 2√3, यहाँ पे मैंने लिख दिया 6/2√3, अब रूट थ्री है तो क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे, रूट थ्री से मल्टीप्लाई, रूट थ्री से ही डिवाइड, क्या आ गया 3√3 डिवाइडेड बाय 3, 3 के साथ 3 क्या हो गया कैंसल, क्या बन गया रूट थ्री, अब टेन की कौन सी वैल्यू रूट थ्री होती है 60 डिग्री, तो हमारे पास थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, एंड ऑप्शन हमारे पास कौन सी आ गई, ए ऑप्शन, क्लियर। सो इस वे के साथ आज मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो बता दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।